हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की वीडियो मैं कलम लगाने के बारे में लेके आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बैंगन का पौधा है और वहाँ पर मिर्च के पौधे हैं। तो मैंने क्या किया, मिर्च के पौधे की कलम काटकर और बैंगन के पौधे पर लगाई थी। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर कट लगा के इसमें मिर्च के पौधे की ये डंडी जो है, ये वाली, ये मिर्च के पौधे की है और ये बैंगन का पौधा है। तो यहाँ पर लगाई थी, इसको फिर बांध दिया था थैली से अच्छी तरह से कस के, और इस सारे डंडे के पत्ते तोड़ के इसको ढक दिया था। तो 5-7 दिनों के बाद इसको यहाँ से खोला तो ये यहाँ से जुड़ चुकी है पूरा, और इसमें अब 10-15 दिन हो चुके हैं तो इसमें पत्ते निकल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, मिर्च के पत्ते निकल चुके हैं। तो इस प्रकार से बैंगन के पौधे पर मिर्च की कलम लगाई है, जो एक तरह से कामयाब हो चुकी है, मतलब पत्ते निकल चुके हैं। अब थोड़े दिन अपने वेट करेंगे, दूसरी वीडियो में डालूंगा जिसमें ये पता लगेगा, देखेंगे अपने कि वाकई इसमें फूल लग के मिर्चें लगती हैं या नहीं लगती। लेकिन इतना जो था वो कामयाब हो चुका है, तो इसका मतलब है कि अपने एक पौधे पर दूसरे पौधे की कलम लगा सकते हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि एक पौधे पर ऊपर अलग लगते हैं फल, दूसरी साइड अलग लगते हैं। तो इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया है छोटा सा, ये आप देख सकते हैं, ये पत्ते जो है मिर्च के हैं और इसी पौधे पर ये बैंगन का पौधा है।